ओम शांति। आपका प्रश्न है स्वर्ग सतयुग में शेर नहीं थे, क्योंकि ये बात आपने अभी कुछ ही दिन पहले मुरली में आया और वहां से आपने ये प्रश्न उठाया। बाबा ने कहा सतयुग में शेर नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दुख देने वाला काम करने वाला कोई भी प्राणी वहां हो नहीं सकता। वहां पांचों तत्व व आत्माएं वही होते हैं जो सबको सुख देना जानते, दुख का नामो निशान नहीं होता। शेर बाद में आ जाते हैं। तो आपने ये दो प्रश्न उसके ऊपर खड़े किए, तो शेर और बकरी एक घाट पानी कैसे पीते थे, ये भी मुरलियों में लिखा हुआ आया कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। और दूसरा, बाद में शेर कहां से आए? जब सतो प्रधान अवस्था है तब प्रकृति भी सतो प्रधान है, पशु पक्षी जीव जंतु भी सतो प्रधान है, आत्माएं भी सतो प्रधान है। धीरे धीरे आत्माएं सतो प्रधान से सतो बनती हैं, अब उनके जीवन में उनके व्यवहार में अंतर तो आता है ना। 25% त्रेता के अंत तक गिरावट आ जानी है, तो 25% तो दुख देना शुरू हो गया ना, क्योंकि बाबा ने कोई डेट या टाइम निश्चित नहीं किया कि इस समय शेर के आना शुरू हो गया। मतलब जब दुख देना शुरू हो गया तो शेर या ऐसे हिंसक प्राणी भी आने लगे। अब ये कहां से आ गए अचानक, ये डिपेंड करता है कि वे किसी ना किसी जाति से प्रकृति के आधार पर, अपने गुणों और संस्कारों के आधार पर विकसित हुए, डेवलप्ड हुए। और शेर और बकरी एक घाट पानी पिए, जब आए शेर तो उस समय एकदम हिंसक नहीं होंगे, धीरे धीरे हिंसा करना शुरू करेंगे। सतो प्रधान सतो, फिर धीरे धीरे शेर आते गए और हिंसक जानवर भी आते गए, और वो कैसे डेवलप हुए वो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। बाकी बाबा ने कहीं इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को नहीं दिया। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें
9650692279 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।